हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहास किचन। आज मैंने बनाए हैं मेरे किचन में गुलाब जामुन। फेस्टिव सीज़न है, गुलाब जामुन बनते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन कितने सुंदर लग रहे हैं, और जितने सुंदर ये लग रहे हैं उतने ही टेस्टी भी बने हैं। ये बड़े वाला गुलाब जामुन मैंने ट्रायल के लिए कढ़ाई में डाला था। तो जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं, पहले एक चेक कर लें कि वो फट तो नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं फटा है। दिल्ली साइड में भी आपको इस तरह के गुलाब जामुन मिलेंगे, काला जाम या काले वाले रसगुल्ले इन्हें बोला जाता है। देखिए सिरप कितने अच्छे से इसने पिया है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आपको टेक्सचर से पता चल रहा होगा। और फ्रेंड्स, ये जो गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं ये होममेड मावे से बनाए हैं। ये मावा मैंने ड्राई मिल्क पाउडर से बनाया है। तो अगर आपको मार्केट में मावा नहीं मिलता तो आप अपने घर में ड्राई मिल्क पाउडर से मावा निकाल कर गुलाब जामुन बनाइए। मैं इसकी रेसिपी अपने जो लिंक है इसमें रेसिपी के नीचे शेयर करूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए टेक्सचर से आपको समझ में आ गया होगा कि गुलाब जामुन कितने अच्छे बने हैं। तो गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बने हैं, बहुत डिलीशियस बने हैं सच में। फ्रेंड्स आप एक बार ट्राई करना। ये देखिए सिरप इन्होंने अच्छे से पी ली है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है जो कि मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ध्यान देकर वो बातें देखिएगा। आप अपने घर में मार्केट जैसे गुलाब जामुन या रसगुल्ले बना लेंगे। देखिए टेक्स्चर देखना आप इसका। ये देखिए मैंने इनमें चिरौंजी की स्टफिंग की है। चिरौंजी, किशमिश या चीनी डालकर आप स्टफिंग करके जब अपने गुलाब जामुन बनाएंगे तो एक तो हीट की वजह से वो अंदर तक पकेगा, प्लस टेस्ट बहुत इन्हांस होता है। ये देखिए कितने अच्छे ये दिख रहे हैं, जालीदार, सॉफ्ट एकदम, और सिरप अंदर तक गया है। तो बहुत ही बढ़िया बने हैं। चलिए चेक करते हैं कि कैसे बनेंगे गुलाब जामुन। तो चलिए फिर गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मावा है, तो मैं आपको वेट करके दिखाऊंगी प्रॉपर एकदम रेशियो कैसे करना है। ये देखिए 42 ग्राम्स का मावा है ये। एक्चुअली ये मैंने घर पे मावा बनाया है ड्राई मिल्क पाउडर से, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं नीचे लिंक डालूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए मैदा का तो वेट भी नहीं आ रहा, इतना कम मैदा मैंने लिया है। तो ऑलमोस्ट जिससे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने वाली स्पून जो घर में होती है वो वाली चम्मच है ये, वो मैदा एक चम्मच, यानी बेसिकली एक चम्मच मैदा और 50 ग्राम्स के करीब मावा है ये, 42 ग्राम्स है ऑलमोस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे हथेली के नीचे वाले हिस्से से, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है आपको। 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट की मेहनत आपको करनी है इस पर। हथेली के नीचे वाले हिस्से से रगड़ रगड़ कर इसको एक रस करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैदा अलग है मावा अलग है, एक साथ आपको इसको जोड़ना है अच्छे से। तो मेरे मावे की इतनी कम क्वांटिटी देख के आप हंसिएगा मत, क्योंकि बहुत सारी स्वीट डिश मेरे घर पे भरी हुई है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको रेसिपी तो दिखानी है मुझे, इतनी सारी मिठाई खाएगा कौन। तो देखिए मैंने उस मावे में से 4 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्सा लेंगे, फ्लैट करेंगे, उस पर मैंने चिरौंजी डाली है, आप चाहे तो किशमिश डालें, चीनी डालें जरा सी 2-4 दाने। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको रोल करना है, ये मेन पार्ट है। गुलाब जामुन को रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली गुलाब जामुन के। देखिए हथेली के बीच के हिस्से से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, हथेली के बीच के हिस्से में डालकर प्रेशर लगाना है, प्रेशर। चिरौंजी डाली, प्रेशर डालना है आपको लगातार दोनों हथेली को रोटेट करते हुए। देखिए आप देख सकते हैं सर्कल में मैं इसे घुमा रही हूँ, और प्रेशर मैंने डाला है, काफ़ी प्रेशर आपको डालना है। प्रेशर डालने से क्या होगा कि एक भी क्रैक आपके गुलाब जामुन में नहीं आएगा, बहुत ही सुंदर गुलाब जामुन बनेंगे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर किसी भी गुलाब जामुन में एक भी क्रैक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिम फ्लेम करके आपको घी डालना है कढ़ाई में, फ्लेम सिम ही रखनी है, मीडियम कतई ना करे। यहाँ पर 2 गुलाब जामुन जिनका कि मैंने ट्रायल लिया था वो सिरप में पड़े हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स गुलाब जामुन को इस तरह से कढ़ाई में डालेंगे घी में, क्योंकि मेरे गुलाब जामुन 4 हैं तो मैंने घी कम रखा है। और गुलाब जामुन कढ़ाई में डालने के बाद आपको लगातार रोटेट करते रहना है कढ़ाई को कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप कढ़ाई का सिलेक्शन कुछ ऐसा करें जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, गहरी वाली कढ़ाई ना लें, आपस में चिपक जाते हैं उससे गुलाब जामुन। कढ़ाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फ्लेम सिम रखनी है बिल्कुल सिम, और गैस पर ना रखें, थोड़ा सा जैसे आपको लगे कि तेल गर्म हुआ है ऊपर कर ले या गैस बंद कर दे, और लगातार हिलाते हुए इन्हें आपको पकाना है, इसी तरह से रोटेट करना है। इस तरह से रोटेट करने से क्या होगा कि आपके जो गुलाब जामुन में उसमें हीट इवन जाएगी, और जितने भी गुलाब जामुन आप बना रहे हैं पहले एक ट्राई कर लें, जैसे कि मैंने 2 ट्राई किए हैं, एक बड़े साइज का और एक छोटे साइज का ट्राई। अगर आप कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि क्रैक आ रहा है तो हल्की सी मैदा मिक्स करके वापस से प्रोसेस शुरू करें। इस तरह से गुलाब जामुन बनाने का प्रोसीजर होता है, लगातार हिलाते हुए आपको इसे बनाना है बिल्कुल इसी तरह। फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लेम ऑफ और ऑन करके ही आपको ये प्रोसीजर करना है। जैसे आपने गुलाब जामुन कढ़ाई में डाले तो उसमें आप इस तरह के बबल्स देखेंगे, जैसे बबल्स आपको दिख रहे हैं ना,
तो सेम टाइम आपको वो गैस बंद कर देनी है और बस बंद करी हुई गैस पर ही आपको इनको पकाना है। जब तक ये बबल्स कढ़ाई में आ रहे हैं तब तक आपको ऐसे इसको हिलाते रहना है, और जब आपको लगे कि बबल्स आने बंद हो गए तो आपको क्या करना है, आपने वापस से गैस चलानी है और फिर से गैस के ऊपर इसको रख के रोटेट करते रहना है। तो गैस को ऑफ और ऑन करके ही गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम फ्लेम पे भी अगर आप इन्हें बनाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से कलर आपको ब्लैक ब्राउन दिखेगा बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे, मैदा और मावे का कच्चा फ्लेवर आपको आएगा। इसलिए प्रोसीजर यही होता है कि गैस को ऑफ और ऑन करके बनाया जाता है। हलवाई भी बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, कई बार वो चूल्हे की गैस बंद कर देते हैं, कई बार ऑन करते हैं। तो आप ऐसे ही बनाएं और चम्मच गलती से भी ना लगाएं। अब ये बन गए हैं, अब मैं इनमें चम्मच लगा रही हूँ, आपने देखा होगा। अब मैं सिरप में डाल दूंगी, सिरप भी गर्म होने चाहिए जब आप इन्हें डाल रहे हैं। ये मैंने पहले दो ट्रायल के गुलाब जामुन है, बहुत बढ़िया बने हैं ये भी। तो गर्म गर्म सिरप में इन्हें डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। एक कटोरी चीनी के लिए 1/4 कटोरी पानी डालना है और चाशनी एक तार की बनानी है। उसके बाद गर्म गर्म चाशनी में गुलाब जामुन डालने हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन को आप इस तरह के बर्तन में शिफ्ट कर लें और उसके बाद शेक करें इसके। शेक करने से क्या होगा, सिरप अच्छे से इसमें जाएगा और सारे गुलाब जामुन फ्लोट हो रहे हैं चाशनी के ऊपर। इसका मतलब है कि बहुत स्पॉन्जी बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, हल्के बने हैं। अब मैं आपको एक गुलाब जामुन दिखाती हूँ। 15 मिनट हुए हैं अभी मुझे इसको चाशनी में डाले हुए। अगर आप 15 मिनट में या हाफ एन आवर में इन्हें यूज़ करेंगे तो अंदर से कैसा होगा, काफ़ी ड्राई निकलेगा। ये काले वाला गुलाब जामुन जो दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा है साइज़ में, उसके बाद भी ये फ्लोट हो रहा है। सारे गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बने हैं। तो आप गुलाब जामुन को गरम गरम चाशनी में डालकर 4-5 घंटे ढक के रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन चाशनी अच्छे से पी लेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी ड्राई है क्योंकि मैंने इसको बहुत जल्दी यूज़ कर लिया। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल भी जरूर दबाएं। थैंक यू।